की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता वाला ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रूनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रोहनइन का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फिलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मार्नर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है ज्यादा टाइम करते हुए पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रिनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्सऑफ कलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कॉरे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया है क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का कैरेक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है सो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रूनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑफ कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सअप कलेक्शन इस मूवी ने किया था अगर बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फ़िलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था એરે વાત કી ગયા હૈ ઇસ મૂવી કે એક્ટર્સ કે બારે મે કે કૌનસે એક્ટર ને કિસકા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ ઇસ મૂવી મે સબસે પહેલે લીડિંગ રોલ પર ટૉમ હેન્ક્સ ને રિચાર્ડ રિચ ફિલિપ્સ કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ કેથેરીન કીનર ને ઇસ મૂવી મે એન્ડ્રિયા ફિલિપ્સ કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ માઈકલ કેર્નસ ને ઇસ મૂવી મે શેન મર્ફી કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ ડેવિડ વોરશ ઓફ સ્કાઈ ને ઇસ મૂવી મે માઈક પેરી કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ કારે જான்સન ને केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग दो सौ बीस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के बाय जय हिंद वंदे मातरम। रिव्यू एक और नई सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल ने वाले सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रिनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयस ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया एंड डेविड वार्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का करेक्टर निभाया एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करैक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉहन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मार्नर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फ़िलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉह का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्सऑफ कलेक्शन दो सौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की है इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कॉरे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है सो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की है तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रूनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑफ कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सअप कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो तो बात की है इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कॉरे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जोहन क्रॉनैन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फ़िलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बढ़ाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रुनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की है इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कॉरे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मार्नर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स ऑब्सक्रप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो so बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमेटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया है क्रिस मल्के ने जॉहन क्रॉन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फ़िलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉह का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्सऑफ कलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया एंड डेविड वार्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में माइक पेरी का करेक्टर निभाया एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया है क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रुनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी का बजट 55 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करेक्टर निभाया एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया एंड डेविड वार्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का करेक्टर निभाया एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉहनैन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मार्नर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फ़िलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था એરે વાત કી હૈ ઇસ મૂવી કે એક્ટર્સ કે બારે મે કે કૌન સે એક્ટર ને કિસકા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ ઇસ મૂવી મે સબસે પહેલે લીડિંગ રોલ પર ટૉમ હેન્ક્સ ને રિચાર્ડ રિચ ફિલિપ્સ કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ કેથેરીન કીનર ને ઇસ મૂવી મે એન્ડ્રિયા ફિલિપ્સ કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ માઈકલ કેર્નસ ને ઇસ મૂવી મે શેન મર્ફી કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ ડેવિડ વોરશ ઓફ સ્કાઈ ને ઇસ મૂવી મે માઈક પેરી કા કેરેક્ટર નિબાયા હૈ એન્ડ કારે જான்સન ને केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम टी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमेटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ़ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया है क्रिस मल्के ने जॉहन क्रॉन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया है क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉह का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बढ़ाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रुनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमेटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करेक्टर निभाया एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया एंड डेविड वार्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में माइक पेरी का करेक्टर निभाया एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करैक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रह का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मार्नर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमेटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सअप कलेक्शन इस मूवी ने किया था अगर बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया एंड डेविड वार्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के जय हिंद वंदे मातरम। एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात तो की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी uh, लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ बीस मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के बाय जय हिंद वंदे मातरम। रिव्यू एक और नई पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमेटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की, की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ सिलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने।, ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया है क्रिस मल्के ने जॉहन क्रॉन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने बिलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स सब्सक्रिप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी काफी लोग कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता ने वाला ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रूनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज या कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ सिलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का करेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का करेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉहन का करैक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का करैक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके करैक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फिलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मार्नर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फिलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फिलिप्स मूवी को बढ़ाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता

आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज़ ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑ कोलम्बिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की, की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्सऑफ कलेक्शन 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही में आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था बात की जाए इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फ़िलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनुस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का कैरेक्टर निभाया इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी में लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप ज़रूर से वहां पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में यह मूवी साल दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैप्टन फिलिप्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे आपको फुल डिटेल में कैप्टन फिलिप्स मूवी के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड बजट के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने बजट में कैप्टन फ़िलिप्स मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखना चाहिए एंड कहां पर इस मूवी को देख सकते हो साथ ही मैं बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है कैप्टन फिलिप्स मूवी में सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैप्टन फिलिप्स मूवी को देखना पसंद करते हो इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है बिली रे ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी का स्कॉट रेडिन ने एंड डाना ब्रूनेटी ने एंड माइकल डी लूसा ने इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे उसके आगे बरखाड अब्दी देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है बैरी अक्रॉयड ने एंड इस मूवी को एडिट किया है क्रिस्टोफर रॉयज ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कैप्टन फ़िलिप्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ ऑफ कोलंबिया पिक्चर्स स्कॉट रेडिन प्रोडक्शंस एंड माइकल डी लूसा प्रोडक्शंस ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग एंड रिलीज़ डेट है इस मूवी का ग्यारह अक्टूबर दो इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट है एंड इस मूवी के बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैप्टन फिलिप्स मूवी का बजट पचपन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सिलेक्शन दो 220 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई कैप्टन फिलिप्स मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है साथ ही मैं आपको पता चल गया इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्सअप कलेक्शन इस मूवी ने किया था अगर बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉम हैंक्स ने रिचार्ड रिच फिलिप्स का करैक्टर निभाया है एंड कैथरीन कीनर ने इस मूवी में एंड्रिया फिलिप्स का करेक्टर निभाया है एंड माइकल कैरनोस ने इस मूवी में शेन मर्फी का करैक्टर निभाया है एंड डेविड वॉर्श ऑफ स्काई ने इस मूवी में पाए माइक पेरी का कैरेक्टर निभाया है एंड कारे जॉनसन ने केन कोइन का कैरेक्टर निभाया एंड क्रिस मलके ने जॉहन क्रॉनैन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में मार्क हॉल्डन ने विलियम रॉयस का कैरेक्टर निभाया है सो यह कुछ मेन मेन एक्टर्स थे जिनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कैप्टन फिलिप्स मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवी है अगर आपको बायोग्राफिकल थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इस मूवी में आपको कैप्टन रिचार्ड फ़िलिप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट मारनेर थे और उनकी एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ये मूवी है अगर आपको ऐसे थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है बायोग्राफिकल मूवीज़ देखना पसंद है यह मूवी आपको पसंद आने वाली है एंड uh, काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं इस मूवी के बॉक्स कलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट मूवी है पचपन मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी को पसंद करते हैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड पॉल ग्रीन ग्रास ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट भी किया है सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में आई एम पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं कैप्टन फिलिप्स मूवी को सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कैप्टन फिलिप्स मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कैप्टन फ़िलिप्स मूवी देखने को मिल जाएगी तो आप जरूर से वहाँ पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको पसंद आएगी साथ ही में यह मूवी आपको हिंदी वर्जन में भी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम